नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सुपर 60 एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने आप लोगों को अपने फेसबुक पेज पर बताया था कि इस चैनल पर आप लोगों का मैथ्स की क्लासेस भी चलेंगी। सर तो इंग्लिश पढ़ाई रहे हैं आप लोगों का, अब मैथ्स की भी क्लासेज आप लोगों को इस चैनल पर पढ़ाई जाएंगी। तो आज हम लोग मैथ्स में मैंने आप लोगों को, जैसा कि आप लोगों को थंबनेल दिख रहा है, इसमें बेसिक मैथ्स की क्लासें होंगी। छोटे छोटे क्वेश्चन मैंने लिए हैं ताकि सारे बच्चे इस पर जो बहुत अच्छे से पहले से सीखे हैं वो भी सीख सकें, जो नहीं जानते हैं वो लोग भी सीख सकें। हम लोग इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। टाइम एंड वर्क का हमारा ये टॉपिक है, इसमें हम लोगों ने मैंने छोटा छोटा क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आया हूँ और हम उस क्वेश्चन को देखेंगे टाइम एंड वर्क में किन किन बातों को हमें ध्यान रखना है और कैसे कैसे आप लोगों को इस पर अप्लाई करना है और आगे सीखना है। तो टाइम एंड वर्क में हम बेसिकली LCM आपको दो तीन बातों का ध्यान रखना है। LCM सभी बच्चों को निकालने तो आता ही होगा, नहीं आता है तो मैं आप लोगों को आने वाली और LCM की अलग से क्लासेस लूँगा, उसमें आपको सिखाऊंगा। तो टाइम एंड वर्क में हमें एक दिया होता है टाइम, जैसे एक किसी का टाइम दे दिया होता है, एक दूसरे का भी टाइम दिया होता है, बी का ए का। तो इसमें टाइम देता है, बोलता है ये मान लीजिए 5 दिन में करता है, ये 10 दिन में करता है, तो पूछेगा तो दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे। तो हम लोग इसमें एक आपका ट्रेडिशनल मेथड होता है जो 1/5 करके और फ्रैक्शन मेथड 1/10 करके, इस मेथड को हम लोग अप्लाई नहीं करेंगे यहाँ पर। हम लोग इसमें सॉल्व करेंगे LCM मेथड से। तो LCM तो इसका 5 और 10 का LCM क्या होगा, 10 और हम LCM जब 10 जो LCM होगा वही हमारा क्या होगा, टोटल वर्क होगा। टोटल वर्क हमारा निकल आया तो हमारा ये किसी कार्य को कितने दिन में कर रहा, 5 दिन में कर रहा, और बी कितने दिन में कर रहा उसी कार्य को, 10 दिन में। हमारा LCM क्या आया, LCM हमारा 10 आया। तो अगर 5 दिन में 10 वर्क कर रहा है ये, तो एक दिन का उसका कार्य क्या हो जाएगा, 2। ये इसकी क्या होगी, कार्य क्षमता यानी कि वर्क इफिशियंसी, ये हमारी वर्क इफिशियंसी। और एक इसका अगर 10 टोटल वर्क 10 है तो ये कितने दिन में कर रहा है, बी 10 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 10 एक काम करेगा। तो इसकी वर्क इफिशियंसी कितनी हो गई। अब पूछा है कि ए और बी दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो मान लीजिए हमारा टोटल वर्क क्या है, 10। तो हमारा ऐसे क्वेश्चन में जो भी टाइम एंड वर्क का, हम सब में एक ही कॉन्सेप्ट लगेगा कि टोटल वर्क अपॉन वर्क इफिशियंसी, यानी कि जिसका टाइम पूछेगा, टाइम जिसका भी पूछेगा उसके वर्क इफिशियंसी से हम टोटल वर्क में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो हमारा टोटल वर्क कितना आया यहाँ पर, 10 आ गया है, ठीक है। तो 10 को हम कितने से डिवाइड करेंगे, ए का इफिशियंसी कितनी है, 2 है, और बी की इफिशियंसी कितनी है, 1 है। तो कितना आ गया, 10/3। तो कितने दिन में ख़त्म करेंगे, 1/3 दिन में, ठीक है। तो आगे हम इसी तरीके से, मैंने आप लोगों को एग्जांपल के तौर पे छोटे छोटे क्वेश्चन और लेके आया हूँ, उसको हम देखते हैं कि कैसे करते हैं। देखिए जैसे पहला क्वेश्चन आपका है, ए किसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है, 6 दिन में कर रहा है, बी उसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में कर रहा है। तो हमारा पहला काम क्या था इसमें, LCM लेना। तो इन दोनों का LCM कितना लेंगे, LCM आएगा हमारा 12। LCM इसलिए ले रहे हैं ताकि हमारा ये जो डिवाइड फ्रैक्शन हमें जो कैलकुलेशन करना है वो हमारा आसान हो जाए। तो 12 हमारा क्या हो गया, टोटल वर्क हो गया। अगर टोटल वर्क 12 यूनिट है तो ए जो है 6 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में कितना यूनिट करेगा, 2 यूनिट करेगा, और बी 12 दिन में कर रहा है तो एक दिन में कितना यूनिट करेगा, 1 यूनिट करेगा। तो अगर ए और बी को मैं एक साथ काम कराऊं तो एक दिन में कितना करेंगे, 2 और 1, यानी कि 3 यूनिट काम करेंगे। तो अगर दोनों का टाइम पूछेगा, ए प्लस बी का टाइम कितने दिन में करेंगे, तो कितना आएगा आपका टोटल, अभी मैंने आप लोगों को सिखाया है कि जिसका भी टाइम पूछे तो क्या बोलना है, टोटल वर्क अपॉन वर्क इफिशियंसी। तो किसका, ए और बी का टाइम पूछा है तो किसके से किसके इफिशियंसी से भाग देंगे, ए और बी की इफिशियंसी से। तो आपका टोटल वर्क कितना है, 12 है, और
इफिशियंसी दोनों कितनी है हम लोगों ने निकाल लिया, 3, तो यहाँ से कितना आ गया, 4 डेज आ गया, जो कि आपका कौन सा डी ऑप्शन सही है। ठीक है, तो सेम इसी टाइप का एक क्वेश्चन मैंने और लिया है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को वीडियो को रोके और क्वेश्चन को उसी मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करें। हो गया सॉल्व, तो चलिए देखते हैं, ए कितने दिन में है, 6 दिन में, बी 9 दिन में, और वही पहला हम काम क्या करेंगे, इफिशियंसी, सॉरी क्या काम करेंगे, एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आ गया, 18, तो 18 हमारा एलसीएम आ गया, तो अगर 18 हमारा ये एलसीएम आया, ये टोटल वर्क है, अगर टोटल वर्क 18 है तो 6 दिन में ये कर रहा है, तो 1 दिन में कितना करेगा, 3, कैसे आया, इसको 6 से हमने डिवाइड किया और इसका कितना आया, 2, तो यानी कि ये ए की कार्य क्षमता है और ये किसकी है, बी की कार्य क्षमता है, वर्क इफिशियंसी। तो अगर दोनों को एक साथ काम करवाना है तो हम क्या करेंगे, दोनों अपनी इफिशियंसीज करेंगे, तो यानी कि ए प्लस बी की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 5। अब आपको तो ए और बी द्वारा समय पूछा है, ए और बी का टाइम पूछा है, तो टाइम क्या हो जाएगा, 18/5, तो आपका इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 3.6, तो यानी कि जो आपका सी ऑप्शन है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में करते हैं तथा ए उसी कार्य को 30 दिन का समय लेता है, तो बी अकेले, देखिए क्वेश्चन पिछले जैसा ही है, बस इसमें डिफरेंस ये है कि पिछले क्वेश्चन में ए और बी को करने के लिए बोल रहा था और यहाँ पर क्या बोल रहा है, ए और बी एक साथ काम दिया है, ये बी कितना दिया है, 10 दिन, ये उसी कार्य को कितना दिन में, 30 दिन में, तो हम सेम चाहे जैसा भी क्वेश्चन होगा, पहला काम हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, एलसीएम हमारा कितना आएगा, 30, तो यानी कि ये आपका टोटल वर्क हो गया 30, और ए और बी मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, 10 दिन में कर रहे हैं, तो 1 दिन का इनका काम कितना हो गया, 3 हो गया, और इनका 1 दिन का काम क्या हो गया, 1 यूनिट हो गया, तो ए प्लस बी का 1 दिन का काम कितना है, 3 है, और ए का कितना काम है, 1 है। अब पूछा क्या आपसे क्वेश्चन में, ए अकेले कितने दिन में कार्य समाप्त, यानी कि ए अकेले भाई करना है तो आपको टोटल वर्क अपन ए की इफिशियंसी, यही तो होगा, यानी कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि जिसका भी आपको टाइम निकालना होगा उसकी कार्य क्षमता से हम लोग डिवाइड करेंगे, तो यहाँ से हम लोग बी की कार्य क्षमता निकाल लेंगे, बी की कार्य क्षमता कितनी हो गई, अगर यहाँ पर एक हम रख देंगे, पुट यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे तो बी का कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो हमारा टोटल वर्क कितना है, 30, अब बी की इफिशियंसी कितना दिया है, बी की इफिशियंसी 2 आ गई, तो कितना आंसर आ गया आपका, 15, जो कि आपका सी ऑप्शन। आगे हम देखते हैं, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, ए और बी मिलकर किसी कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं, 8 दिन में कर रहे हैं, बी उसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में कर रहा है, तो ए अकेले, पिछले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा था, बी का पूछा था, इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, ए का पूछ रहा है, तो हम सेम वही मेथड अप्लाई करेंगे, देखते हैं, ए और बी 8 दिन में, बी उसी कार्य को कितने दिन में, 12 दिन में, तो हमारा पहला काम क्या है, मैं आप लोगों को सिखाया हूँ, एलसीएम लेना, तो एलसीएम कितना आएगा इसका, 24 आएगा, अगर 24 हमारा ये टोटल वर्क है तो हमारा अगर ये आपका 8 दिन में कर रहा है तो 24 काम को कितने दिन में करेगा, 1 दिन में कितना करेगा, तो 3, और इसकी वर्क एफिशिएंसी कितनी आएगी, 2 आएगी, ए और बी की दोनों की मिलके कार्य क्षमता कितनी है, 3 है, और बी की कितनी है, 2 है, तो हमारा पूछा है कि ए अकेले कितने दिन में समाप्त करेगा, तो यानी कि ए की कार्य क्षमता पता होना चाहिए, तो ए का हम यहाँ से निकाल लेंगे, ए की कार्य क्षमता कितनी आ गई, 1 आ गई, तो यानी कि ए द्वारा टाइम पूछा है, तो यानी कि टोटल वर्क अपान वर्क एफिशिएंसी ए की, तो टोटल वर्क कितना है, 24, और इफिशियंसी कितनी है, 1, तो हमारा कितना हो जाएगा, 24 डेज, तो यानी कि इस टाइप बेसिक हम लोगों ने क्वेश्चन इस टाइप से देख लिया। अब हम इसी सीरीज में आगे बढ़ते हैं कि ये कौन सा आपका बी ऑप्शन है, आगे देखते हैं कि आगे कैसे क्वेश्चन है। तो देखिए,
यहाँ पर ए बी और सी, यानी कि अभी हम पिछले क्वेश्चन में क्या देखे थे कि ए और बी ये थे, तो यहाँ पर तीन हैं, ए बी सी हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हम लोगों ने ए बी का किया था वैसे ही हम ए बी सी का करेंगे। तो ए का कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में। बी कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में। सी कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में। तो यानी कि वही काम करना हमें, इसका क्या लेना है, एलसीएम। एलसीएम कितना हो गया, 60 एलसीएम हो गया। तो यानी कि ये एलसीएम हमारा क्या होता है, टोटल वर्क होता है। यानी कि 60 यूनिट अगर काम है तो ए कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में कितना करेगा, 6 यूनिट करेगा। बी कितना करेगा, 5 यूनिट करेगा। यानी कि और सी कितना करेगा, 4 यूनिट करेगा। यानी कि अगर हम दोनों तीनों को एक साथ काम पे लगा दिया जाए, देखिए सॉरी ये रेज हो गया, फिर से देखते हैं, ए 10, बी 12, सी 15। यानी कि एलसीएम अभी हम लोगों ने देखा ही था कितना, 60। यानी कि इसकी कार्यक्षमता कितनी हो गई, 6 हो गई, इसकी कार्यक्षमता 5, इसकी कार्यक्षमता 4। तो यानी कि अगर हम बात करते हैं कि अगर एक साथ वो लोग काम शुरू करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि तीनों की कार्यक्षमता, यानी कि एक दिन का काम कितना हो गया, 6, 5, 11 और 4, 15। ठीक है, 6 प्लस 5 प्लस 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 15। ठीक है, तो यानी कि अब आपसे पूछा है कि तीनों दिन, तीनों मिलकर कितने दिन में काम करेंगे। तो यानी कि ए प्लस बी प्लस सी का जो टाइम पूछा है वो आपको क्या करना पड़ेगा, टोटल वर्क अपॉन वर्क इफिशियंसी, यानी कि तीनों की। तो आपका कितना हो गया, 60 आपका टोटल वर्क है और 15 आपका वर्क इफिशियंसी है। तो इसको हम लोगों ने डिवाइड किया तो कितना आया, 4 डेज। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, अगर चार लोगों का दे तब भी आप क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करेंगे। तो आपका कौन सा, ये ऑप्शन ही सही है। आगे देखते हैं, तो अभी हम लोगों ने सिंगल सिंगल देखा था कि ए कितने दिन में कर रहा है, बी और ए बी सी। अब देखिए क्या है, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में, बी और सी मिलकर उसी कार्य को 15 दिन में, सी और ए मिलकर उसी कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं। तो तीनों मिलकर एक साथ कितने दिन में करेंगे, तो हम वही काम करेंगे जैसा कि हम लोगों ने पहले किया था कि ए प्लस बी कितना, 12, बी प्लस सी कितना, 15, सी प्लस ए कितना, 20। तो यानी कि वही काम हमारा करना है कि एलसीएम लेंगे, आपका एलसीएम कितना आ जाएगा, 60, यानी कि 60 आपका ये क्या हो जाएगा, टोटल वर्क। यानी कि अगर 60 टोटल वर्क होता है तो ए और बी मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, 12 दिन में कर रहे हैं। तो यानी कि इनका एक दिन का काम देखा जाए तो कितना होगा, 5 यूनिट होगा, और इनका एक दिन का कितना काम होगा, 4 यूनिट होगा, और इनका एक दिन का काम क्या होगा, आपका 3 यूनिट होगा। तो यानी कि अब पूछा है कि ए और बी और सी मिलकर कितने दिन में करेंगे, यानी कि ए और बी की आपको क्या पता होना चाहिए, कार्यक्षमता। तो यहाँ पर आपको ए बी सी का अलग अलग एक साथ तो नहीं मालूम है, लेकिन ए बी का मालूम है कितना, 5, बी और सी का मालूम है 4, सी और ए का मालूम है कितना, 3। यानी कि अगर हम जोड़ दें तो इनको क्या है, 2 ए बी सी आपका मिल जाएगा कितना, 12। यानी कि बात करते हैं ए बी सी की कार्यक्षमता कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो अब आपको कार्यक्षमता मिल गई, चाहिए आपको कार्यक्षमता ही, क्योंकि टोटल टाइम निकालने के लिए आपको क्या, टोटल वर्क इफिशियंसी मालूम होना बहुत ज़रूरी है। तो आपको देखिए टोटल वर्क आपने कितना है, 60, और इसकी वर्क इफिशियंसी कितनी, 6। तो यानी कि कुछ बच्चे इसमें गलती से, जैसे पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने डायरेक्ट जोड़ के डिवाइड कर दिया था, वैसे इसको भी डायरेक्ट जोड़ के अगर डिवाइड करेंगे तो 12 से भाग देंगे, आपका कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, पहला, लेकिन जो कि क्या है, आपका गलत है। हम इसको 2 से डिवाइड भी करेंगे तो आपका वर्क इफिशियंसी कितनी हो गई, 6। तो इसका आंसर कितना आएगा, 10 डेज। इसको सॉल्व करेंगे तो 10 डेज आएगा, जो आपका कौन सा ऑप्शन है, सी। इसी तरीके से हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आप लोगों ने इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिया, और आगे वाला क्वेश्चन मैंने बिल्कुल ऐसे ही दिया है, तो आपको करना क्या है, वीडियो को रोकना है और उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, नहीं आएगा फिर आपको देखना है। चलिए सॉल्व करिए। क्वेश्चन है,
ए और बी 30 दिन में, बी और सी 20 दिन में, ए और सी 15 दिन में कर सकते हैं। तो सेम वही क्वेश्चन है, ए बी सी तीनों कितने दिन में काम करेंगे। तो आपको आपने सॉल्व कर लिया, चलो देखते हैं। यानी कि ए बी कितने में, 30 डेज में, बी और सी कितने, 20 डेज, सी और ए 15 डे। यानी कि इसको क्या करना है, आपको एलसीएम लेना है। एलसीएम आपका क्या होगा, वही 60। यानी कि ए और बी मिलकर 60 यूनिट अगर काम कितने दिन में कर रहे हैं, 30 दिन में कर रहे हैं, तो एक दिन का काम इनका क्या हो गया, 2 यूनिट। इनका एक दिन का कितना हो गया, 3 यूनिट। इनका एक दिन का कितना काम हो गया, 4 यूनिट। यानी कि सेम वही काम करेंगे, आपका क्या आएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ आप लोगों को, 2A प्लस बी प्लस सी कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, क्योंकि 2, 3 और 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, और ए प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी कितनी हो गई, 9/2। अब आप लोगों को मैंने शुरू में ही सिखाया हूँ कि आपको क्या करना है, कि टाइम निकालना है, टोटल टाइम ए बी सी द्वारा। तो आपको क्या करना है, टोटल वर्क अपॉन वर्क इफिशियंसी, यानी कि टोटल वर्क कितना आपका 60, और वर्क इफिशियंसी कितना है, 9/2। तो इसको सॉल्व करोगे तो आपका क्या आएगा, 40/3। तो इसको सॉल्व करोगे तो 13/1/3, जो कि मैंने इस तरह से डी ऑप्शन में लिख रखा है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, सेम ऐसे ही आपको प्रैक्टिस करना है। देखिए, ये जो क्वेश्चन मैंने ये लिया है, ये आपका प्रीवियस ईयर आया हुआ क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल में। यानी कि ए और बी का कितना है, 72 दिन में, बी और सी का कितना है, 120 डेज, ए और सी का कितना है, 90 दिन। यानी कि अब इसमें बड़ा सा क्वेश्चन है, बड़ा सा डाटा है, तो आप लोगों को एलसीएम लेने में प्रॉब्लम हो रही होगी। तो ऐसा नहीं है, एलसीएम आपको सिखा दूंगा आप लोगों को, नहीं तो ऐसे डायरेक्ट आप लोगों को सभी लोगों को लेने आता होगा, नहीं तो मैं डायरेक्ट आप लोगों को लेने सिखाऊंगा, कि जो बड़ा नंबर होता है उसी से हम, उसी का मल्टीपल हम देखते हैं। आगे मैं वीडियो में सिखाऊंगा आप लोगों को कि एलसीएम डायरेक्ट कैसे लेते हैं। तो इसका सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 360। तो यानी कि अगर 360 हमारा क्या आ गया, टोटल वर्क आ गया, 360 टोटल वर्क हो गया। यानी कि 72 दिन में कर रहे हैं तो 360 यूनिट काम करने में, तो एक दिन में कितना काम करेंगे, ये 5 यूनिट करेंगे। ये 5 जो आया, ए और बी की क्या हो गई, कार्य क्षमता, वर्क इफिशियंसी आ गई। और बी और सी कितने दिन में कर रहे हैं, 120 दिन में कर रहे हैं। तो ये लोग एक दिन में कितना करेंगे, 3 यूनिट करेंगे, और ए और सी मिलकर एक दिन में कितना करेंगे, 4 यूनिट करेंगे। तो आपका वही सेम काम करेंगे, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ जो पिछले क्वेश्चन में आप लोगों को समझाया था, ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो गया, 12, ठीक है, 5, 5, 3, 8, 4, 12। यानी कि अगर ए बी और सी की बात करते हैं तो क्या आएगा, 12/2, कितनी इफिशियंसी, 6। यानी कि अब आपसे पूछा है कि तीनों मिलकर कितने दिन में कार्य को समाप्त करेंगे, यानी कि वही टाइम आपका, टाइम टेकन, यानी कि टोटल वर्क आपका कितना है, और वर्क इफिशियंसी, यानी कि जिसका समय पूछेगा उसी को वर्क इफिशियंसी से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो यानी कि अब आपका क्या है कि 360/6, यानी कि इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 60 डेज। यानी कि इस पूरे काम को ख़त्म करने में इनको कितना लगेगा, 60 दिन का समय लगेगा। तो देखिए, इसी क्वेश्चन में आप लोगों का आगे भी क्वेश्चन बनता है कि अगर पूछ ले कि ए अकेले कितने दिन में करेगा, बी अकेले कितने दिन में करेगा, तो सी अकेले कितने दिन में करेगा। तो इसमें ऐसे क्वेश्चन में हमारे 4 क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आपसे 4 जरूरी नहीं कि हमेशा ए प्लस बी प्लस सी का ही पूछे, तो आपसे ए अकेले का भी पूछ सकता है, बी का भी पूछ सकता है, और सी का भी पूछ सकता है। तो वो सारे क्वेश्चंस मैं आगे आप लोगों को अगले वाली वीडियोज़ में बताऊंगा। तो आज हम लोग, इतना छोटा सा टॉपिक था आज, हम लोग छोटी बेसिक चीज़ें हम लोगों ने सीखा है कि कैसे एलसीएम का, कैसे वर्क इफिशियंसी का हम लोग यूज करते हैं, और उसको कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी, और आप अपने दोस्तों को भी ये
चीज़ें शेयर करते रहिए, फेसबुक पर भी चीज़ें मिलती रहेंगी अपडेटेड, और आपको यूट्यूब पर भी हम लोग हमेशा आप लोगों के लिए नई नई चीज़ें लाते रहेंगे। तो इसमें अगले सीरीज के लिए हम लोग कल मिलते हैं, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।